चलते हैं हर हर महादेव और पहुंचते हैं। टैक्सी मिल गई भाई, 3:15 बज चुका है और ट्रेन जो है वो 4 बजे की, अभी 45 मिनट है यहाँ से। अभी दमन के बस स्टेशन पे आ चुके हैं और अभी वलसाड़ वाली बस आई हुई है, वापी वाली अभी नहीं आई हुई है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों अभी हमें दमन में और आज यहाँ से चलेंगे पहले दमन थोड़ा बहुत उसको काम है हॉस्पिटल वगैरह पे, तो वो करने के बाद आज शाम को 4 बजे या 4:15 बजे की ट्रेन है वापी से सोमनाथ वेरावल तक की, तो चल रहे हैं सोमनाथ। आप लोगों को सोमनाथ का भी दर्शन कराएंगे चल के, मंदिर का वहाँ का कैसा क्या है, मंदिर बना हुआ है और सावन चल रहा है तो आप लोगों को जो है भगवान शिव का जो है एक ज्योतिर्लिंग जो है वो उसका दर्शन कराने वाले हैं। अभी यहाँ से मैं चल रहा हूँ रूम पे, अभी कंपनी से आया हूँ क्योंकि मेरे को जो है काम ज़्यादा था इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया, और नहीं तो फिर वो 2 बजे के आसपास निकलता उधर से। और अभी मेरे को जो है जाना है पहले दमन, थोड़ा बहुत काम लग रहेगा 1 घंटे के आसपास का, तो 2 बजे यहाँ से निकलेंगे, 3 बजे तक जो है मेरा वो काम हो जाएगा और 4 बजे तक जो है मुझको वो पहुँचना रहेगा वापी। तो अभी मैं निकल रहा हूँ रूम के लिए और चलते और देखते कैसा क्या है जर्नी रहती है, आप लोगों को जो है देखने के लिए मिलेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करो, शेयर करो। चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फिलहाल अभी मीरा सोल के पास में पहुंच चुके हैं और एक चीज़ और बता दूं भाई, शनिवार या रविवार को ही जो है लगता है वाटर पार्क खुला रहता है, और क्योंकि अभी साउंड वगैरह जो है सुनाई दे रहा है, बाकी दिन का तो नहीं पता है भाई चालू रहता है कि नहीं रहता है, शायद रहता होगा लेकिन पब्लिक बाकी दिन में कम आती है, शनिवार रविवार को ज़्यादा रहती है क्योंकि जो है हॉलीडे रहता है, किसी का शनिवार को रहता है किसी को रविवार की, इसलिए जो है उस दिन ज़्यादा आती है। फिलहाल अभी निकल चुके हैं घर से और चल रहे हैं, मानसून तो भाई काफ़ी गड़बड़ है, रेनकोट भी डाल लिया है, माइक का थोड़ा इशू है कि भाई माइक मेरा जो है गाँव पर रह गया है इनकी वजह से, मुझे क्या पता दोनों लिए होंगे। तो अभी क्या है रिसीवर तो आ गया बट जो है रिसीवर रह गया है, मतलब जो है माइक वगैरह आ गया है केवल, तो आधा सामान रह गया है, बाकी वो वाला जो है माइक है तो वो भी जो है ख़राब लगभग हो गया है। तो चलो चलते हैं हर हर महादेव। अभी देवका बीच वाले रोड पे पहुंच चुका हूं और यहां से भी टैक्सी पकड़नी पड़ेगी, दिक्कत ये रहती है कि भाई यहां से टैक्सी जल्दी से मिलती नहीं है, नहीं तो उधर से जाओ जो अपना भीमपुर वाला रोड है तो उधर से होके जाओ तलवाड़ा होते हुए, इधर से सोचता हूँ कि इधर से मिल जाए क्योंकि ये जो है थोड़ा पास में मेरे रूम से पड़ जाता है, तो मैंने कहा चलो इधर ही से निकल चलता हूँ क्योंकि अभी अपने पास में टाइम काफ़ी है। अभी मैं हूँ दमन पे, एक भाई मिल गया था उसने जो है लिफ्ट दे दिया और यहाँ पे एरोप्लेन वाले स्टेचू के पास उतार दिया है और टैक्सी का वेट कर रहा हूँ, देखो कब तक जो है टैक्सी आती है। और दिक्कत ये है कि भाई इधर पे टैक्सी वगैरह वाले थोड़ा लफड़ा करते हैं कि मतलब बोलते हैं कि सिंगल चलना हो मतलब बुक करके चलना हो तो चलो, अभी 2 किलोमीटर के लिए 150 रुपये मांगेंगे, तो इसके लिए फिर मैं जो है उधर ही से जाता हूँ, आ गया हूँ इधर पे, अभी देखो क्या होता है, निकल रहा हूँ देख रहा हूँ अगर कोई वेट करता हूँ कोई मिलता है टैक्सी तो ठीक है, नहीं तो लिफ्ट लेके निकलता हूँ फिर इधर से। टैक्सी मिल गई भाई, 3:15 बज चुका है और ट्रेन जो है वो 4 बजे की, अभी 45 मिनट है यहाँ से हमको वापी, 45 मिनट में पहुँचना पड़ेगा। और अभी हम आ चुके हैं धोबी तहलाव लेक पे, ये सामने है धोबी तहलाव लेक जो कि मैं ही मैनेज करता हूँ, इसका मतलब जो यहाँ का गूगल पे जो है ऑनर है वो मैं ही हूँ भाई, गूगल पे ऑनर मैं ही हूँ, बाकी यहाँ पे अभी जो है उतार दिया था टैक्सी वाले ने, वो जा रहा था मसाल चौक की तरफ, हमने कहा हमको उतार दो। ये है धोबी तहलाव लेक जिसका गूगल पे जो है मैनेजमेंट मैं ही करता हूँ, देखता हूँ इसका। बाकी अभी यहाँ से चल रहे सामने है बस स्टेशन जो कि यहाँ से बस 100 मीटर या 150 मीटर की दूरी पे है, और यहाँ से चलते हैं बस स्टेशन, वहाँ से जो है फटाफट से टैक्सी या जो भी बस वगैरह मिल जाता है लेते हैं क्योंकि अभी टाइम अपने पास में ज़्यादा बचा नहीं, 45 मिनट्स बाकी रह गए, ट्रेन जो है वो 4:10 का है तो देखते हैं। अभी दमन के बस स्टेशन पे आ चुके हैं और अभी वलसाड़ वाली बस आई हुई है, वापी वाली अभी नहीं आई हुई है, भाई ये लगता है मेरे को टैक्सी लेके ही निकलना पड़ेगा क्योंकि अपने पास 45 मिनट रह गया है और मुझे वापी रेलवे स्टेशन पर पहुँचना है, ट्रेन जो है वो 4 बजे आ जाएगी, तो चलो देखते हैं क्या होता है भाई, अभी तो जो है 40 मिनट बाकी है। यूपी का जो बस है वो आने में समय लग रहा था भाई, यहाँ पे 15 मिनट खड़े खड़े हो गए, मेरा जो है लेट भी हो रहा था, तो अभी जो है वलसाड़ की बस से ही मैं जो है वलसाड़ निकल रहा हूँ, शायद अगला स्टेशन पे जो है ट्रेन मुझे मिल जाएगी क्योंकि वापिस मैं जाता तो वहाँ पर मैं लेट हो जाता। अभी आ चुके हैं वलसाड़ के स्टेशन पर, ये है वलसाड़ का बस स्टेशन और यहाँ पर शॉर्टकट देखे ओपन है या नहीं, इधर से निकलना पड़ेगा भाई, ट्रेन का जो है टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया क्योंकि फ़ोन आ गया तो फिर मैं जो है देख ही नहीं पाया क्योंकि ट्रेन का भाई टाइम ज़्यादा बचा नहीं था, वापी से ट्रेन जो है वो निकल चुकी थी और फ़ोन आ गया तो भाई बात करने लगा मैं। वलसाड़ पे तो आ गया मैं, मैंने कोशिश की कि मैं जो है फाइनली पहुँच जाऊँ
मतलब मैंने अगला स्टेशन भी जो है सोच किया कि यहाँ पे बस तो पहुँचा ही देगी, क्योंकि वापी का तो मुश्किल ही हो गया था कि वापी में मुश्किल मिल पाएगी। वलसाड़ से भी ट्रेन भाई ये निकल चुकी, अभी क्या करें भाई, ये वलसाड़ से देखो ये ट्रेन जो है वो निकल चुकी है। अभी मैं वलसाड़ के बस स्टेशन पे जस्ट पहुँचा हूँ भाई, 10 मिनट का फासला रह गया, तो अभी क्या करें मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर बैठता हूँ, दिमाग ख़राब हो गया भाई। अभी इतनी मेहनत की थी जिसके लिए, मतलब तैयारी तो बन पाई जैसे तैसे बन गई, बट जो है अभी बस भी छूट गई। तो ये है वलसाड़ का बस स्टेशन, और अभी क्या करें भाई मेरे को समझ में नहीं रहा। मैं थोड़ी देर बैठता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। भाई दमन की लास्ट बस जो है वो 9:15 की है, मतलब अभी बसें हैं दमन की, तो अभी मैं सोचता हूँ कुछ देखता हूँ क्या करना है, नहीं तो फिर जो है वापस लौट जाएंगे। क्योंकि अभी जहाँ का मैंने प्लान कर रखा था भाई वहाँ पे हो नहीं पाया, टाइम से ही नहीं पहुँच पाया। मैं तो 2 बजे निकला था, बट जो है टैक्सी वैक्सी का लफड़ा हो गया और इसकी वजह से जो है वो फिर बस लेट से लेट होती गई। तो फिलहाल अभी मैं वलसाड़ से जो है आ चुका हूँ ये कोस्टल हाईवे पे, क्योंकि अंदर साइड से बस नहीं जाती है, तो इधर ही पे उतर गया हूँ और नहीं जा पाया यार दमन। अभी क्या करते हैं वहाँ पे घूमने के लिए, क्या कर सकते, वापस से दमन आ चुका हूँ, तो यही है। अभी क्या करेंगे भाई, जब ट्रेन ही छूट गई तो क्या कर सकते हैं, अब कल देखते हैं कल क्या होता है। और जिस काम के लिए लोग हम लोग गए थे वो काम ही नहीं हो पाया, तो फिलहाल अभी यहाँ से चल रहे रूम पे और पूरा दिमाग ख़राब हो गया। दोस्तों पिछले दिन जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि मैं जा रहा था सोमनाथ के लिए, बट जो है मेरे ट्रेन छूट गई थी उसकी वजह से वो जर्नी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। और आज फिलहाल फिर से वापस से प्लान बनाया एक जगह पे ढूंढने के लिए, बट जो है वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाऊंगा। बाकी आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो देखकर कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे से। भाई मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं वापी से जो है ट्रेन पकड़ लूँ या फिर वलसाड़ से वापी के लिए, तो मेरे बस ही नहीं मिल आ रही थी, 2 बस वलसाड़ की आ गई। फिर मैं सोचा कि चलो वलसाड़ से ही पकड़ लूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम था, बट जो है जो बस है वो इतना ज़्यादा रुक के गई। पहले उदवाड़ा में रुकी, उदवाड़ा से जो है वहाँ पे जाम में फंसी रही, इसके बाद जो है आगे चलने पे बहुत जगह रुकी, तो इसकी वजह से भाई ट्रेन जो है वो मिस हो गई 10 मिनट पहले ही। मतलब 10 मिनट क्या है, मेरा जो है बस स्टेशन जैसे ही पहुँचा था, जैसे ही ट्रेन वो जो है वलसाड़ छोड़ने वाली थी, तो आप लोगों को दिखाया ही था क्लिप मैंने कि कैसा क्या है। बाकी वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो शेयर करो, मिलते जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।